हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चलते हैं हिंदी के नेक्स्ट लेक्चर में और इसके एमसीक्यू देखेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टी चॉइस क्वेश्चन है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन्हीं को बताएंगे और उनके बारे में क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी और चीजें हैं वो भी बताते जाएंगे हर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर निराकार शब्द का विलोम क्या है। निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, इसका विलोम का मतलब इसका उल्टा शब्द कौन सा है, वो होगा साकार। ठीक है, तो निराकार का विलोम शब्द क्या है, साकार। सबको मालूम होगा, आप सभी लोगों को। यहाँ देखिए आप, अज्ञेय शब्द का विलोम क्या है, अज्ञेय का क्या होगा, गे। अज्ञेय का अज्ञेय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, जे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कर्कश शब्द का विलोम शब्द नहीं है। कर्कश का विलोम नहीं है, कौन सा नहीं होगा, कठोर। कर्कश शब्द का विलोम नहीं है, कहने का मतलब है कर्कश का विलोम क्या क्या, मधुर, मधु, मीठा, ये तीनों कर्कश के विलोम है, है ना। कर्कश का उल्टा क्या होता है, कर्कश का अपोजिट होता है मधुर, मधु और मीठा, लेकिन कौन सा नहीं है, कठोर नहीं हो सकता कर्कश का विलोम। ठीक है, पर्यायवाची जैसा लग रहा है कठोर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आस्तिक शब्द का विलोम शब्द है। आस्तिक का सबको मालूम होगा क्या, नास्तिक। आस्तिक का विलोम शब्द होगा नास्तिक। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, भ्रम शब्द का विलोम शब्द है। अब बताइए आप इनमें से भ्रम, निर्भ्रम, है ना, भ्रम का निभ्रम, और संशयहीन, निश्चय, निश्चित और निसंशय। ठीक है, तो ध्यान रखना है भ्रम का जो विलोम शब्द है उसी में हो जाता है निभ्रम, बस नि आगे लग जाता है। हंसना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताइए आप, हंसना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, रोना। ये बिल्कुल आपको पता होगा, बस जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है, जड़। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जड़ शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो आप बताइए जड़ का क्या होता है, चेतन। ध्यान रखना है, ये कई बार आए क्योंकि जो थोड़े अलग होते हैं हटके वो ज्यादा आते हैं। तो जड़ शब्द का विलोम शब्द क्या है, चेतन। उग्र शब्द का विलोम शब्द क्या है, उग्र का क्या होता है, उग्र शब्द का विलोम शब्द है शांत। हम बोलते हैं ये व्यक्ति बहुत उग्र स्वभाव का है, ये व्यक्ति बहुत शांत है, ये दोनों विपरीत नेचर वाले व्यक्ति हैं। ईर्ष्या शब्द का विलोम शब्द क्या है, ईर्ष्या का विलोम उल्टा होता है स्नेह। ईर्ष्या का उल्टा होता है स्नेह और उग्र का अपोजिट होता है शांत। ठीक है, ईर्ष्या, स्नेह, याद रखना ईर्ष्या, उसमें भी सहारा है और स्नेह में भी सहारा। आज्ञा शब्द का विलोम शब्द क्या है, आज्ञा का अवज्ञा, है ना, आज्ञा का मतलब है आज्ञा और अवज्ञा इसका विलोम शब्द है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए स्वाधीनता शब्द का विलोम शब्द क्या है, स्वाधीनता का स्वतंत्रता, गुलामी, परतंत्रता, इन पे ध्यान मत देखना है, क्या देखना, पराधीनता। स्वाधीनता का अपोजिट होता है पराधीनता। देखो स्वाधीनता का मतलब होता है, पराधीनता का मतलब होता है किसी पर अधीन, पर प्लस अधीन, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन हो आप, उसे बोलेंगे पराधीनता, है ना। किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन होना पराधीनता कहलाती है, खुद के अधीन होना स्वाधीनता कहलाती है। स्व माना होता है स्वयं। ठीक है, धनवान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, निर्धन। एक व्यक्ति बहुत धनवान है, दूसरा व्यक्ति बहुत निर्धन है, तो एक दूसरे कैसे है, अपोजिट, विपरीत। संक्षिप्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, संक्षिप्त का विस्तार, व्यापक, संक्षेप और विस्तृत। देखो संक्षिप्त एक जैसा शब्द होता है वैसे ही उसका विलोम शब्द लगा जाता है, जैसे कि संक्षिप्त लिखा है यहाँ पे, है ना, तो इसका क्या होगा, विस्तृत। ठीक है, जी, संस्कृत जैसा शब्द लग रहा है तो उसी का विलोम शब्द क्या होगा, विस्तृत। वैसे देखा जाए तो व्यापक, संक्षेप तो हो नहीं सकता, है ना, विलोम पूछा है तो ये तो नहीं होगा, बस व्यापक और विस्तार जैसे भी लगते हैं, है ना, विस्तार भी हो सकता है, बहुत संक्षेप है, बहुत विस्तार पूर्वक है, लेकिन हमें मालूम है उसकी बॉडी, आप उसको उच्चारण कर देखिए, उसका उच्चारण करके देखिए, संक्षिप्त, विस्तृत, तो आपको समझ में आ जाएगा। लौकिक शब्द का विलोम शब्द क्या है बताइए, क्या है, अलौकिक। तो लौकिक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, अपोजिट, अलौकिक, है ना, लौकिक, अलौकिक। कटु का क्या होगा, मधु। कटु शब्द का विलोम शब्द होता है मधु। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ ऐसे वर्ड मिले जो आपको पहले से पता नहीं थे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।